हेलो दोस्तों, अंकित बिजनेस ब्लॉग की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशंस के यहाँ से, जो कि अपनी मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इनके पास काफ़ी ज़्यादा मशीन मिल जाती है और इनके पास हर प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड मशीन मिल जाती है। अगर आपको स्लीपर मेकिंग मशीन चाहिए, नूडल्स मेकिंग मशीन चाहिए और भी काफ़ी ज़्यादा मशीन्स यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम। हेलो सर जी। मैम, इस वीडियो में कौन से बिजनेस के बारे में बताने वाले हो आप? नमस्ते, मेरा नाम अनीशा है। मेरी कंपनी का नेम स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन है। मेरी कंपनी दिल्ली में जनकपुरी में है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा डाबरी मोड़ का है। वैसे तो हम बहुत सारी मशीन्स में डील करते हैं सर, बट आपने जैसा कि पूछा कि इस वीडियो में मैं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या अलग लेकर आई हूँ, तो ये हमारी नूडल्स मेकिंग मशीन है। नूडल्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल हर किसी का फेवरेट है, मीन्स हर कोई नूडल्स चाउमिन जो होता है हर कोई खाना पसंद करते हैं, हर किसी की डिमांड है वो। तो उस मशीन के बारे में आपको बताने वाली हूँ, मीन्स वो किस मशीन में बनता है, क्या उसका आपको एरिया रहता है या क्या उसका प्रोडक्शन रहता है, क्या प्रॉफिट मार्जिन रहने वाला है, क्या आफ्टर सेल सर्विस रहने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा मैम, तो मैम मतलब इस बिजनेस की स्टार्टिंग कम से कम कितने लागत लगा कर सकता है अगर कोई करना चाहे तो? मैं आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है सभी का ना। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, जैसे जो नूडल्स मेकिंग मशीन है वो 6-7 टाइप्स के हमारे पास आती है। अच्छा। लाइक आपकी एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, देन आपकी 10 रोलर की मशीन होती है, फिर 12 रोलर की मशीन होती है, ऐसे करते करते 22 रोलर तक मशीन ये जाती है आपकी, 20 की, 16 की, 18 की, इस तरीके से। बट वो तो एक हायर रेंज में चली जाती है, मीन्स आपको 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे रेंज में चल जाती है। बट जो मिनिमम इसका इन्वेस्टमेंट जिस मशीन के बारे में आज बात करने वाली हूँ, वो सेमी ऑटोमेटिक नूडल्स मेकिंग मशीन है, जिसका रेंज आपका 65,000 रहता है। 65,000 में बेसिकली हम आपको 3 मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। 3 मशीन्स कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या यूजेज होता है, पहले मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले जो आपकी मशीन होती है, इसमें वो आपको होता है नूडल्स एक्सट्रूडर, जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी नूडल्स की कटिंग का काम होता है। और सेकेंड मशीन आती है मिक्सर मशीन, मीन्स जिसमें आप इसका डो रेडी करते हैं, जो इसका मटेरियल होता है उसका आप सारा रॉ मटेरियल को मिक्स करके उसका डो रेडी करते हैं। और थर्ड मशीन आती है आपकी स्टीमर मशीन, मीन्स आप इसको जो बनाते हैं देन उसको बॉयल, स्टीमर, बॉयलर कुछ भी बोल सकते हो आप, उसको बॉयल करने का वो काम करती है, मीन्स स्टीम करने का उसको काम करती है। तो ये 3 मशीन्स इसकी आती हैं जो हम इसके साथ आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल होती है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, बट इनिशियल स्टेज में अगर स्टार्टिंग फेज है आपका तो ज़रूरी नहीं कि आप वो मशीन परचेज करें। जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है ड्रायर। ड्रायर का जो बेसिकली यूज होता है, जैसे आप ये प्रोडक्ट देख रहे हो, ये आपका पूरा ड्राई होके इसमें पैकेजिंग हुई है। अच्छा। प्रोडक्ट की ड्राई होके पैकेजिंग होती है। अब अगर आप ड्राई करते हो, ड्राई के 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन होता है ड्रायर का कि आपने एक ड्रायर मशीन परचेज करी है, आपके ऊपर है, आप 6 ट्रे वाला लो, 12 ट्रे वाला लो, अलग अलग उसमें ट्रेज आते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने ड्रायर लिया है, ड्रायर में आप वो पूरा ड्राई उसको करते हो। ड्रायर में ड्राई होने में आपको हार्डली 20-25 मिनट्स लगता है। बट अगर आपके पास ड्रायर नहीं है या आप ड्रायर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो स्टार्टिंग फेज में, तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। मैन्युअली मीन्स या तो अपने अपने टेरेस पे, मीन्स छत पे अपने सुखा दिया उसको डालकर। अच्छा। जो डायरेक्ट आपका सनहीट होता है, सनलाइट होता है, उससे आपने सुखा दिया, ड्राई कर दिया। या तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है, आपने अपने रूम पे रख लिया, रूम टेम्परेचर में फैन से या हीटर्स वगैरह से आपने उसके हेल्प से उसको ड्राई कर दिया। बट यही होता है कि अगर आप ये इस तरीके से मैन्युअली चीज़ें अडेप्ट करते हो तो इसमें आपको जो है वो लगभग बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मीन 7 आवर्स का आपको लगभग टाइम लग जाता है, अप्रॉक्स 7-8 आवर्स का आपको, मतलब 7-8 घंटे आपको लग जाते हैं ड्राई होने में, जो कि आपको ड्रायर के हेल्प से 20-25 मिनट में ड्राई हो जाता था। तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट हाँ ये है कि स्टार्टिंग फेज में अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें तो आप वैसे भी कर सकते हो। ये चीज़ था आपका। नेक्स्ट, अगर मैं इस मशीन के आपको डिटेल्स बताऊं या डिस्क्रिप्शंस में बताऊं, तो मैं अभी सिर्फ सेमी के ही बारे में बताऊंगी। बाकी अगर आप इसके हायर रेंज में जाना चाहते हो, मीन्स आप अलग अलग मॉडल्स में जाना चाहते हो जो आपकी बड़े बड़े मशीन्स होती हैं नूडल्स की ही, तो आप एक बार डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर एक बार कॉन्टैक्ट करो, उनकी भी आपको डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। बट फिलहाल मैं इस मशीन के बारे में बताती हूँ। जो ये हमारी मशीन है सेमी ऑटोमेटिक की जो मशीन है, जिसका मैंने ये 3 सेट बताया। सबसे पहले तो इसमें आपको जो डाई नूडल्स का जो एक्सट्रूडर मैंने बताया, उसमें आपको 3 डाई मिलते हैं। 3 डाई में जो होता है वो 3 डाई मीन्स आते हैं इस मशीन्स के साथ। आपका होता है एक 1 mm का जो कटिंग करता है, 1 mm का। एक आपका आता है 1.2 mm का जो साइज होता है डाई का, और थर्ड आपका आता है 1.5 mm का। तो 1.2, 1.5 mm, 1 mm ये क्या चीज़ है? जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पे नूडल्स बहुत मोटे होते हैं,
कुछ आपने देखा होगा बहुत नूडल्स बहुत पतले पतले होते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइज में कट करना चाहते हो, मोटे नूडल्स, पतले नूडल्स, मीडियम नूडल्स, इस हिसाब से 2 and 2.5 mm भी आता है मार्केट में। अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं डाई वो भी मिल जाएगा, बट उसकी उतनी डिमांड नहीं होती है। जो मोस्टली डिमांड होती है डाई के साइज की वो 1.2 mm and 1.5 mm की होती है। तो मैम मतलब एक मतलब क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बीच में, है ना, तो ये तीन जो डाई मिलती है जो आप मतलब इसी प्राइस में मिलने वाली, साथ में मशीन के साथ एक ही डाई मिलती है। मतलब मैंने ये बोला कि तीन डाई आती है, तो तीन डाई आती है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो परचेज कर सकते हैं 1.2 mm की, 1.5 मोस्टली मार्केट में 1.2 1.5 mm चल रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको 2 mm या 2.5 mm का लेना है वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप बताते हैं ऑर्डर करते हैं उसका तो वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो ये तो था मशीन का डाई इतना रहता है। अगर मैं एरिया की इस मशीन की बात करूँ, क्योंकि इसमें तीन मशीन है, हालांकि तीन मशीन है बट मशीन की साइजेस इतनी बड़ी नहीं है। जो नूडल्स एक्सट्रूडर है इवन वो तो हमारा डिटैचेबल जो है वो मशीन है, मीन्स उसके जो आगे प्लेट्स लगे होते हैं उसको आप डिटैच भी कर सकते हो और सिर्फ एक्सट्रूडर का पार्ट रह जाता है, और प्लेट्स को आप अलग भी हटा सकते हो अगर आपके पास स्पेस का शॉर्टेज है। तो अगर आपके पास स्पेस का शॉर्टेज है तो आप उसको डिटैच भी कर सकते हो। तो जैसे ये तीन मशीन्स मैंने आपको बताई हैं, तो अगर आपके पास 200 स्क्वायर फीट की आपके पास जगह है तो आप इजीली मशीन को रख सकते हो, मशीन को रन कर सकते हो, आपने इसमें जो है अपने फाइनल प्रोडक्ट्स भी रख सकते हो और जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं वो भी रख सकते हो। तो 200 स्क्वायर फीट इसमें लगभग जो है वो रिक्वायरमेंट होती है जगह की। अगर मैं पावर रिक्वायरमेंट की बात करूँ, मीन्स बिजली की कितनी इसमें लागत खपत होती है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो लगभग आपका, अगर जैसे आप पूरे एक दिन भी 8 घंटे भी मशीन चलाते हो तो लगभग आपका 10 से 12 यूनिट्स का कंजम्पशन होता है। और इजीली आप इसको सिंगल फेज पे 2 kW पे, जो डोमेस्टिक लाइट होती है उस पे, इस मशीन को रन कर सकते हो। अलग से आपको कोई भी कमर्शियल के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थी आपकी इस दोनों की बात। अब मेन चीज पे आते हैं प्रोडक्शन पे, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो टोटली प्रोडक्शन से कनेक्टेड होता है। अच्छा। तो जो प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसमें प्रोडक्शन आपका बहुत हद तक जो है आपके लेबर्स पे डिपेंड करता है कि वर्कर किस हिसाब से काम करें। तो अप्रॉक्स इसमें जो है वो आपको 50 to 100 kg का प्रोडक्शन होता है, बट ऑन एन एवरेज 50 kg, अगर मैं मिनिमम 50 kg लेकर चल रही हूँ, कि मान लो अगर कोई पर्सन है जो कि अभी न्यू उन्होंने काम करना शुरू किया है, कोई वर्कर है, उनको नहीं आइडिया है प्रोडक्शन किस तरीके से कैसे करना है, क्या करना है, बहुत स्लो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको 50 kg मैंने मिनिमम लिया है कि वो एक दिन में 8 घंटे चलाते हैं मशीन को, तो 50 kg का वो 1 घंटे में प्रोडक्शन करते हैं। अगर आप 8 घंटे मशीन चला रहे हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर लो कि आप 400 kg का एक दिन में प्रोडक्शन कर सकते हो अगर आप 8 घंटे मशीन को रन करें। तो अगर डबल शिफ्ट में चलाते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा मैम, तो मैम मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूज होती है इसमें? नॉर्मल डोमेस्टिक लाइट जो होती है, मींस जो घरेलू बिजली होती है वो आपकी इसमें कंजम्पशन होती है। अच्छा मैम, तो मैम मतलब इसमें लागत वगैरह प्रोडक्ट को मतलब 1 kg के पीछे कितनी लागत आ जाती है इसके? सर देखो, सबसे पहले तो मैं लागत से पहले मैं आती हूँ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही कनेक्टेड होता है हमारा प्रॉफिट एंड जो भी कॉस्टिंग होता है। तो रॉ मटेरियल जो होता है इसमें आपको जैसे दिखता है कि इसमें सिर्फ 2 basic रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, पहला आपका मैदा होता है, दूसरा आपका पानी होता है। मैदा आपने पानी को डाला, मिक्स किया, एंड देन आपने उसकी जो है वो पट्टी बनती है, जो एक्सट्रूडर मशीन होती है उसमें पट्टी बनती है, देन वो 2-3 बार रिपीट करने के बाद इसमें आपका कटिंग होता है। तो जैसे मैं बात करूं कि इसमें रॉ मटेरियल की, तो सिर्फ मैदा यूज़ हो रहा है और पानी यूज़ हो रहा है। मैदा अगर अप्रॉक्स में लेकर, वैसे तो हर जगह जगह पे डिपेंड करता है कहाँ पे कितने केजी के हिसाब से मिल रहा है, मैंने लिया फिर भी 30 रुपये का पर केजी मैदा। आपके वहाँ पे हो सकता है 25-20 रुपये 25 रुपये केजी भी मिलता हो, बट मैंने मैक्सिमम यहाँ पे 30 रुपये केजी मैदा लिया है। अगर आप बल्क में लेते हो तो आपको उसके हिसाब से कॉस्टिंग कम भी हो जाती है। बिल्कुल 5 रुपये मैंने कन्वर्जन कॉस्ट लिया है, मीन्स आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेजेस हो गए, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मीन्स अदर मिसलेनियस एक्सपेंस करके मैंने 5 रुपये उसका कॉस्ट लिया है। तो अगर आपको 30 रुपये मैदा पड़ रहा है तो आपको जो है वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है 1 kg नूडल्स की वो आपको 35 रुपये बन जाएगी। अगर आपको 25 रुपये पड़ रहा है जो वो होता है मैदा होता है, तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है 1 kg नूडल्स की वो आपको 30 रुपये पड़ जाती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो होलसेल रेट है 1 kg का वो है 65 रुपीज के अकॉर्डिंग आपका। तो अगर 65 रुपीज पर केजी आपका होलसेल रेट है और 35 रुपये भी मैंने मैक्सिमम लिया है कि आपका जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बन रहा है, तो लगभग आपको 30 रुपये 1 kg पे बचता है। बट यहाँ पे मैं 30 नहीं सिर्फ 20 रुपये ले रही हूँ। तो 20 रुपये अगर आपको 1 kg पे बच रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट आपको, और प्रॉफिट के जो बीच का जो आपका अमाउंट है वो आपका जो प्रॉफिट जो आ रहा है सेल अमाउंट और प्रोडक्शन कॉस्ट के बीच का, वो आपको लगभग 20 रुपये का पड़ रहा है। अगर आप मान लो आप एक दिन में, मैंने आपको बोला आप 400 kg बनाते हो, और अगर आप 20 से उसको कैलकुलेट करोगे तो 8000 रुपये का आपको एक दिन में एक शिफ्ट का आपको प्रॉफिट होता है।
बट 8,000 रुपये वही है कि आपको अगर तब होगा जब आप 400 kg जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो 400 का 400 आप अपना सेल आउट कर देते हो। तो अगर आपने वो सेल नहीं किया है तो फिर आपका प्रोडक्शन उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना माल अपना सेल किया। अब सेल की बात रही तो सर सेल ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि आप किसी को भी सेल कर सकते हो। अब जैसे आपको मैंने ये दिखाया, इस तरीके से आप पैकेजिंग करके आप किसी भी मॉल्स में, किसी भी स्टोर्स में, किसी जनरल स्टोर्स में, लोकल्स में, जो आपके आसपास के जनरल स्टोर्स होते हैं आजकल, तो हर जगह पे इस तरीके से पैकेजिंग प्रोडक्ट में आप उनको कर सकते हो। अब क्या है कि आप आसपास में आपके जो भी कैफेटेरिया वगैरह होगा या कोई भी आपका रेस्टोरेंट होगा उनको आप अपना स्टीम प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आपको मतलब पैकेजिंग की भी जरूरत नहीं, आपने नॉर्मली स्टीम किया हुआ है और ड्राई करने की भी जरूरत नहीं, नॉर्मली स्टीम किया है वो भी आपसे परचेज कर लेंगे क्योंकि उनको तो तुरंत तुरंत बनाना होता है, वो आपसे परचेज कर लेंगे तो आप उनको सेल कर सकते हो। अगर मान लो आपका जो है वो कोई आसपास में, क्योंकि आजकल क्या हर कोई चाइनीज बेचते हैं, मतलब आपको मोमो सेल करते हैं, नूडल सेल करते हैं, हर जगह पे छोटी छोटी लोग जो है वो अपनी रेडी लगा के, ठेले को लगा के वो अपना सेल करते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लो, आप उनको दे सकते हो। तो बेसिकली जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है वो डिपेंड करता है आपका कि आप कितने लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। आपकी कनेक्शंस जितनी अच्छी होती हैं लोगों से, आपके जो है वो जितने ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट्स बनाते हो उतनी ज़्यादा आपका जो मार्केट है वो ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, हर जगह पे आपका चलता है, खाने वाला प्रोडक्ट है, हर जगह पे चलता है। अब अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है ये, आपका मीन्स खाने वाली आइटम है, तो इसके लिए अगर आप FSSAI का लाइसेंस लेना चाहते हो, मीन्स अगर आप कोई अपना ब्रांडिंग करना चाहते हो, जैसे ये पैकेजिंग आपको दिख रही है, ये प्लेन पैकेजिंग है, इसमें आपको कुछ भी इस पर प्रिंट नहीं है। अगर मान लो इसमें आपने कोई अपना FSSAI का आपने लाइसेंस ले लिया, आपने अपना एक ब्रांड जनरेट किया, ब्रांड जनरेट को इसमें आप प्रिंट करवाते हो, मान लो आपने प्रिंटेड इसमें प्रिंट वगैरह करवा दिया, इसकी भी मशीन हमारे पास आती है, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं जिसमें आपके प्लास्टिक या पेपर्स या नॉन वन बैग्स कुछ भी प्रिंट्स हो सकते हैं, प्लास्टिक को प्रिंट्स करने के लिए उसकी एडिशनल होती है चीज़ें, वो खैर अलग मशीन्स होती हैं। अगर आपको उस मशीन की डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर दें हमें, तो मैं उसकी भी वीडियो लेकर आ जाऊँगी। तो फिलहाल मैं वैसे इस मशीन के बारे में बताऊँ कि अगर आप कुछ भी इसमें प्रिंट करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके ब्रांड का भी एक नाम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, इसमें अगर कोई प्रोडक्ट मैंने, कोई ब्रांड अगर मैंने इसमें लिख दिया, तो अगर मान लो किसी के पास भी जाएगा वो आपसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी ब्रांडिंग भी होगी, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनी अपनाते हो अपने प्रोडक्ट और को बढ़ाने, आप प्रोडक्ट बढ़ता है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सेल ज़्यादा होगा, और सेल ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जी मैम, और मैम अगर कोई आपसे मशीन बाय करना चाहे तो पेमेंट का क्या रहने, मतलब पेमेंट सिस्टम क्या रहने वाला है? पेमेंट से देखो, मशीन आपकी रेडी होती है, स्टॉक्स में होती है, कई बार स्टॉक आउट हो जाती है, बट हाँ अगर स्टॉक आउट हो गई है तो आपको जो है वो 30-40% एडवांस करना होता है, रेस्ट आपका जो डिस्पैच के लिए जैसे ही रेडी होता है, 1-2 दिन लगता है डिस्पैच के लिए रेडी होने में अगर स्टॉक आउट है प्रोडक्ट तो 1-2 दिन में आपको, आपने फुल पेमेंट कराया देन आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट रेडी है तो आप जैसे हैंड टू हैंड आप लेके जाना चाहते हैं या आप कहीं दूर से हैं तो आप हमें ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करने के बाद आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करा दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कराने के बाद जो है वो हम आपकी मशीन को डिलीवर कर देते हैं, आपने अपना जो भी एड्रेस दिया वहाँ पर आपकी मशीन डिस्पैच हो जाती है ट्रांसपोर्ट के थ्रू। बट अगर आप इधर खुद से विजिट करते हैं तो आप सारी चीज़ समझ कर भी आप देन आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट्स आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, स्कैन से कर सकते हैं, वो उसे कर सकते हैं, आप चेक दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, मीन्स जो भी आपको स्वाइप मशीन के थ्रू कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, मतलब जो भी फैसिलिटीज जो भी होती हैं पेमेंट्स का वो आप कर सकते हैं। तो मैम EMI भी रहने वाला है अपनी मशीनों पे? नहीं नहीं, EMI नहीं रहता है इस मशीन में, क्योंकि इस मशीन में क्या होता है ना, ये मशीन्स जो होती हैं वो आपकी इसमें हमें सर्विस भी आपको प्रोवाइड कराना होता है। अच्छा, तो अब क्या होता है जैसे मैं अगर आफ्टर सेल सर्विस की बात करूँ तो इसमें हम बेसिकली जो है वो जब आप हमसे मशीन परचेज करते हो तो हमारा टेक्नीशियन जाता है आपके पास जो कि आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देकर आते हैं मशीन को कि किस तरह से मशीन को यूज़ करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ होती है। देन आपको 1 साल की गारंटी, 3 साल की वारंटी दी जाती है, सर्विसेज आपको टोटल 4 ईयर्स की मिलती है, तो ये सारी चीज़ भी कवर करनी होती है जिसकी वजह से आपको EMI ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। बट हाँ ये कर आप कर सकते हो कि आपने जैसे पेमेंट कराया और जब आपको मशीन लेके जानी है पूरी तब आपने बाकी का पेमेंट, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं जैसे कई बार जैसे मैंने आपको बताया ऑफर्स आते हैं, अलग अलग ऑफर्स चलते हैं, तो ऑफर्स के अकॉर्डिंग जो है कस्टमर, आप जैसे कई बार कुछ अच्छा ऑफर आए आपने ऑफर में ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपके पास मान लो उस वक्त उतना अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो जो भी अमाउंट है आपके पास 10%, 20%, 30%, जितना भी उस वक्त पे आपको मिनिमम ऑर्डर के लिए जितना भी परसेंट की रिक्वायरमेंट होगी
वो आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, देन आप जब डिस्पैच के लिए रेडी हो जाएगी आपके प्रोडक्ट या जब आपको मशीन लेके जाना है तब आपने बाकी का पेमेंट करा तो मशीन तब डिस्पैच होती है आपकी। अच्छा, तो ये जैसे कि नूडल्स मशीन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सेमी ऑटोमेटिक नूडल्स मशीन है, एक्सट्रूडर है ये बेसिकली। अच्छा, तो इसके आगे प्लेट्स लगे होते हैं जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया डिटैचेबल मशीन है। तो इसको आप जैसे अगर आपका आप देख सकते हो इस मशीन का साइज कितना, जैसे ये सिंगल मशीन है आपके एक्सट्रूडर की, तो इतना साइज है। इसके आगे ये प्लेट्स लगकर थोड़ा साइज इसका बढ़ जाता है, और अगर आपके वहाँ पे स्पेस इतना नहीं है तो आपने अपने इसको डिटैच करके अलग से हटाकर देन इसको ये रख दिया। तो ये आपकी इसकी मशीन है, और फिर मैं इसका आपको वो दिखा देती हूँ, ड्रायर दिखा देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ये ऑप्शनल है, तो ये 12 ट्रे वाला आपका ड्रायर होता है, ये भी आप परचेज कर सकते हो। इसमें अलग अलग आपके ट्रेज लगे हैं तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो। अच्छा, इसको भी अलग से लेना चाहे तो ये भी ले सकते हो ना। बाकी ये आपकी जैसे ये तो अभी मशीन किसी की स्टॉक रेडी है डिस्पैच के लिए। अच्छा, अब ये जैसे नूडल्स की आपकी बड़ी मशीन आती है जिसकी मैंने आपको बोला हायर रेंज में जाती है आपकी 12 रोलर की 10 रोलर की, तो ये वो वाली मशीन है। तो इसमें अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा है या आपकी मार्केटिंग ज्यादा है, डिमांड आपको ज्यादा है मार्केट में, तो आप इसको भी तो आप ये वाली मशीन।